वेलकम टू ड्रीम केबीसी चिक्के। दोस्तों आज इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के बादशाह जहांगीर से संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जहांगीर के पिता कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है बादशाह अकबर जहांगीर के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर की मृत्यु के बाद सलीम किस उपनाम से बादशाह बना? इस क्वेश्चन का उत्तर है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। क्वेश्चन नंबर 3, जहांगीर का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर है 24 अक्टूबर 1605 में आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बादशाह जहांगीर की माता कौन थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है मरियम उज जमानी बादशाह जहांगीर की माता थी। क्वेश्चन नंबर 5, बादशाह जहांगीर ने अपनी किस आत्मकथा की रचना की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है तुजुक ए जहांगीरी की रचना बादशाह जहांगीर ने की थी अपनी आत्मकथा की। क्वेश्चन नंबर 6, बादशाह जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन का उत्तर है 28 अक्टूबर 1627 में बादशाह जहांगीर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बादशाह जहांगीर को कहां दफनाया गया था? क्वेश्चन का उत्तर है लाहौर के पास सहाद्रा में रावी नदी के किनारे बादशाह जहांगीर को दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल बादशाह के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राजगद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह कर दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है जहांगीर का पुत्र खुसरो ने राजगद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, बादशाह जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी की सजा दी थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को बादशाह जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी, तो अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर की बेगम नूरजहां का असली नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर है मेहरू निशा, जहांगीर की बेगम नूरजहां का असली नाम था। क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन का उत्तर है जहांगीर की बेगम नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर है लाहौर के नज़दीक सहाद्रा में जहांगीर का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अंग्रेज ने पहली व्यापारिक कोठी कहां और कब स्थापित की थी, व्यापारिक केंद्र? क्वेश्चन का उत्तर है 1613 में सूरत में स्थापित की थी पहला व्यापारिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक परवानगी प्राप्त करने में सफलता पाई थी? सर थॉमस रो को व्यापारिक परवानगी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त पाई थी, और स्टीफन हैकिंग आया था पहले तो उसको परवानगी नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की प्रजा को न्याय दिलाने के लिए बादशाह जहांगीर ने अपने महल के बाहर क्या लगाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है सोने की जंजीर लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 17, बादशाह जहांगीर ने किस नाम से सिक्के बनवाए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है निशार नाम से सिक्के बनवाए थे जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 18, बादशाह जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था? इस क्वेश्चन का उत्तर है सोने की जंजीर को बादशाह जहांगीर न्याय का प्रतीक मानता था। क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किसे सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा था? इस क्वेश्चन का उत्तर है शाहजादा खुर्रम को। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने
सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 20, किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? ऐसा जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिक्र किया है। इस क्वेश्चन का उत्तर है नूरजहां की माँ असमत बेगम ने, नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। क्वेश्चन नंबर 21, बादशाह जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कब किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 1608 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, नूरजहां को बादशाह बेगम कब बनाया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर है सन 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बादशाह जहांगीर ने कांगड़ा पर विजय कब प्राप्त की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर है सन 1620 में बादशाह जहांगीर ने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको विनंती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों।